ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यही शिव यानी काल भगवान अपने महाशिव रूप में रहकर वे अपने सारे अंग में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब देखो युग काल रूपी ब्रह्म, ये ब्रह्म की ही व्याख्या सारी, इसी को महाशिव सदाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु नाम से कहा गया है। इन पुराणों का प्रारंभ यहाँ से होता है, फिर आगे चल के त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति इसी ब्रह्म से होती है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं जो ब्रह्मलोक में है। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। ये ब्रह्म काल और या पार्वती यानी महापार्वती प्रकृति काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद रखा था, उसके बाद वह अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए यानी पति पत्नी का व्यवहार करते हुए शिवा और शिव के मन, शिवा यानी प्रकृति देवी और शिव ये काल भगवान के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका सहार करे। अब आगे देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वप्रिय परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया। ये इन्होंने अपने हिसाब से गलत कर दिया, जबकि संस्कृत सहित अभी आपको दिखाया था, इसलिए ये डबल डबल दिखानी पड़ रही है मुझे। अब यहाँ दसवें अंश का अंग का अर्थ है योनि में, अर्थात पत्नी पति के रूप में बीज स्थापना किया और फिर उससे पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या रखा, ये आप देखिए, उसका नाम विष्णु रखा। उसने अपना नाम पूछा तो महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए कहे कि तुम्हारा नाम, ये देखो। शिव ने कहा कि वत्स बेटा, आप व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। ये काल कहता है विष्णु को, बेटा वत्स माने बेटा, तेरा नाम विष्णु होगा। अब सातवां अध्याय देखो, ये छठा अध्याय समाप्त हुआ, अब ये सातवां अध्याय देखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर से उसके बाद मुझे भी काल ने ही, ब्रह्म ने ही उत्पन्न किया, ये स्पष्ट है। सदाशिव ने पूर्ववत अर्थात जैसे विष्णु को उत्पन्न किया वैसे यत्न करके मुझे परमेश्वर ने सांब यानी पार्वती प्रकृति देवी और सदाशिव दोनों ने पहले की तरह जैसे विष्णु उत्पन्न किया पति पत्नी के रूप से मुझे अपने दहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया। फिर मान बेरा नहीं अब भी बता, इसने के विराकुण से नारायण की नाभि में था। ये विष्णु महाविष्णु रूप में स्वयं काल ही है और यही इनका पिता है। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव से और विष्णु की उत्पत्ति शिव से ये शिव पुराण सिद्ध करती है। इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण में आप देखिएगा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को गुण युक्त बताया है। ये दसवां अध्याय ये देखिएगा,
ये नौवां अध्याय समाप्त हुआ और ये दसवां अध्याय प्रारंभ हुआ। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, विष्णु का आदेश दे रहे हैं, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। ये काल है महाशिव, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो, उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न होगा, तब उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अर्थात विष्णु संपूर्ण शक्तिशाली नहीं है, ये काल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। अर्थात विष्णु भी संपूर्ण शक्ति युक्त नहीं है, शिव जी उनको आदेश दे रहा है। तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो, सबके उद्धार के लिए तत्पर हो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय है, अर्थात तुम तीनों मिलकर काम करो। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है, अर्थात दो तो है ही है, एक रुद्र है एक विष्णु है। अब देखो रुद्र आ गया ना, शिव, ये शिव है और ये विष्णु है जिसको दोनों का आदेश दिया है। जो मनुष्य रुद्र का रूप भक्त होगा होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा सद्गुण और उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने वाला मेरी इच्छा से ही, मतलब अब मैं आपको बताता हूं, मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। अब नौवें अध्याय में फिर देखिएगा, ये नौवें अध्याय का यहां देखना। और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ने नाम से प्रसिद्ध हो, तीन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूं। ये काल भी तीनों गुणों रज महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है, साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण निरंजन परब्रह्म परमात्मा है ये काल। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सतोगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्र भीतर सतोगुण और बाहर से तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिगुण की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुण ही है। अब ध्यान से देखो, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, रुद्र माने शिव शंकर, ये त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं में गुण है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। दिखाया ना कि शिव अंदर से तो सतगुण दिखे भगवान जैसा, लेकिन वास्तव में उसका परम गुण तमोगुण है शिव का। अब इस प्रकार इन तीनों में गुण बताए हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इन तीनों देवताओं में गुण है। अब देखो चौथा कौन रह गया फिर वो, अब चौथा जो शिव की महिमा गाई जा रही है वो कौन है, वो काल है। और ये तीनों यह नारे लिख दिए। अब इस प्रकार ये सब ज्ञान आपके समझ में आएगा। अब आपको दिखाता हूं देवी भागवत महापुराण संस्कृत सहित है मेरे पास, और साथ में फिर दिखाऊंगा ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये देवी भागवतम सभास टीकम, इनके टीकाकार कौन है ये देखिएगा। और ये कहां से प्रकाशित है, अथ देवी भागवतम भाषा सभास टीकम महातम, ये है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में, तृतीय स्कंद में आप देखेंगे अत श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्त तो तृतीय स्कंद प्रारंभ के, ये तीसरे स्कंद में। अब ये दिखाना चाहता हूं कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण युक्त हैं, यही तीनों गुण है,
क्या लिखा है ये देखिए, शिव जी कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मैं तुम गुण क्यों बनाया, कैसे बनाया, और ब्रह्मा रजगुण और विष्णु सतगुण, हरि सतगुण किस प्रकार बनाया, ये नीचे है युक्त की। फिर देखें ये तीसरे स्कंद में है, हे माता, शिव जी कह रहे हैं, रुद्र कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मैं इसे राक्षस कर्म में क्यों लगाया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए, अब बताओ। अब देखो तुम्हारे तीनों गुण सर्जन पालन संसार स्थित हैं, यही काल का जाल है और इस माया से इसको अपने इन पुत्रों को भी भ्रमित रखता है। आप देखिएगा ये देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, क्योंकि ज्यादातर भक्तात्मा इसी को पसंद करते हैं। ये सचित्र मोटा टाइप श्री देवी भागवत केवल हिंदी, पहले संस्कृत से ही आपको दिखाई थी, अब ये ध्यान देखना, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इनके टीकाकार कौन है ये आप देखिएगा। टाइप और यहां हनुमान संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, इसके तीसरे स्कंद में ये देखिएगा, देवी भागवत तीसरा स्कंद, इसमें जन्मेजय ने पूछा, आपने अंबा यज्ञ द्वारा परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और सब प्रकट हुई, पधारने का क्या उद्देश्य है। अब ये जन्मेजय पूछ रहे हैं व्यास जी से, और व्यास जी बता रहे हैं कि यही प्रश्न मेरे मन में आया था, मैंने नारद जी से पूछा था, तो नारद जी ने फिर बताया। अब ये पूछ रहे अभी कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर, परम पुरुष ये काल को कहते हैं, इन पुरुषों के लेखकों की बुद्धि यही तक काम करती रही, साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है या आठ भुजा वाली, ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है, ब्रह्म माने काल, छर पुरुष जो गीता के 15वें अध्याय में काम आओगा याद रखना, ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है, वे सृष्टि स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती है। अब देखो जिसको भी लेते हैं इन्हीं का नाम लेते हैं, क्योंकि इन मुख्य कारण तो यही है, इससे ज्यादा काल है, काल के बाद इसका नंबर, इसने फिर तीन विभाग कर दिए, काल ने और प्रकृति ने अपने तीन पुत्र उत्पन्न करके, वो ये प्रकृति याद रखना, ये गीता जी में आपके काम आओगा, ये शब्द के प्रकृति कौन है, वही शेरा वाली अष्टंगी, और तीन गुण भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गीता जी में भी आपको काम आएंगे। नारद जी से व्यास जी ने पूछा, व्यास जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने बताया नारद को कि कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है, महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे ये रहस्य विदित हो। ओए होए, किसी को नहीं बेरा इसका, लेकिन अंदाजा सा बताऊंगा, ऐसा ब्रह्मा कह रहा है, जो त्यागी अहंकार रहित एवं ईश्वरीय शून्य है,
ईर्ष्या शून्य वही इस रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, जहां से ब्रह्मा को सोधी आई उसे आगे की ही बता रहा, वही इन पुराणों में वर्णित है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी उनमें कोई भी नहीं थे, तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे। दिखाई पड़े, मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि अनुसार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होने ही चाहिए। यौगिक अर्थ होने पर इसका मूल कारण पतंग होता है, पंख, तो अब देखूं वह पंख है कहाँ है, वह इस मूल कारण मतलब ये नीचे घूमता रहा 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे इस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो, तब मैंने तपस्या प्रारंभ कर दी। ये ब्रह्मा बता रहा है, कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा, फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के दो भयंकर दानव आए। अब यहां देखना भक्तात्माओं, आए वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा, तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले, उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था, वे पीतंबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए पड़े थे, सोए का मतलब बेहोश थे, अचेत थे विष्णु जी। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी, शंख चक्र गदा पद्म इन 4 अवधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे ऐसे भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ, वे योग निद्रा से वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे, ये बेहोश कर रखे थे काल में विष्णु जी को उनकी। अच्छा यहां देखना, मैंने उनका सत्वन किया देवी का, तब वे कल्याणमय भगवती विष्णु के विग्रह से निकलकर विष्णु के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान होगी। ये सभी प्रमाण शास्त्रों में पूर्व प्रमाणित हैं और विद्यमान हैं। स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा को नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, तुक्के मार रहा है आगे के, वो कौन है, वो श्री हरि है, फलाना है। अब जो अपनी स्थिति बता रहा है कि मैं कमल के फूल पर सचेत हुआ, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आया। फिर मधु और कैटब नाम के दो राक्षस आए, पहले 1000 वर्ष तक तो खोज की उस कमल के डंठन की, ये कहां टिका हुआ, कहीं नहीं पाया। अब अगर इस विष्णु के नाभि से कमल होता, विष्णु की नाभि से कमल नहीं था, वो विष्णु काल है, उसने अपनी नाभि से कमल बनाया हुआ था। और फिर इतने में मधु कैटब आए, उनके डर के मारा ये नीचे उतरा, आगे विष्णु अचेत पड़ा था शेष सैया पे, शेष नाग के ऊपर बेहोश पड़े थे, उसमें से एक शक्ति निकली और उसके बाद ये होश में आया, और फिर मधु कैटब के साथ इनका युद्ध हुआ। 5000 वर्ष तक तो ये लड़ते रहे और मधु कैटब को नहीं मार पाए। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर, योग निद्रा के ये तो बेहोशी शक्ति एक इनके अंदर डाल रखी थी, आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे, ये विष्णु जी उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई हुई, तब वे दैत्य मरे। कैसे मरे, पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे, उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया।
अब वहां पर मैं और भगवान विष्णु दो थे, वही रुद्र भी प्रकट हो गए। ये देख लो, वही ये रुद्र अर्थात ये त्रिलोकीय शिव भी आ गया। हम तीनों को भगवती अध्या शक्ति के दर्शन हुए, उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी, देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये रुद्र को महेश्वर भी कहा, ये ध्यान से देखना, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि सतिथि और सहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुमने तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। अब क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं कि भगवती अध्या शक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर सुंदर और सुखप्रद थी, हमने उस वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, अब माता कह रहे हैं, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों, विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत कुछ भी नहीं है। अब क्या कहती है, फिर ये माई नागे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन कार्य करने में सफल हों, विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत एवं गुण ये सब समाप्त हैं, पंचभूत एवं गुण तन्मात्र इंद्रियां चाहिए परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा, तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवता और निर्भीक होकर स्वेच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे श्रोधार्य कर लिया। वह रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की मालाओं से सुशोभित था और उसे से अनेक कणिकियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती तुलना की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठ गए। माता आदेश तेरी है बच्चों की तरह, बेटा इसमें बैठो तीनों। और अब आगे देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को, अपनी शक्ति थे, इन देवताओं के बस की बात नहीं थी विमान को आगे चलाना, देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान उस जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। कलिकों की कला की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। अब नीचे देखो, वहां पर ये क्या था, ये कौन था, ये स्वर्ग था। अक्षण भर के बाद वह दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंच गया। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन, पराजित सगन था। ये कौन थी, ये सैकड़ों अश्वप्रायोग सुगंधर्व आदि ये सब, ये देखा तो वहां महाभाग इंद्र भी थे। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक में काल ने एक और बना रखा है, उसको ये ओम नाम के जाप करने वाले योगी इस महास्वर्ग में पहुंच जाते हैं। इस देवी भागवत महापुराण को आगे समझने से पहले हमने इस ब्रह्मांड का चित्र देखना होगा, इसके बाद आपके तुरंत समझ में आएगा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र आप देखिएगा, ये स्थान है ब्रह्मलोक, ये जो स्थान है ये ब्रह्मलोक कहलाता है, ये एक ब्रह्मांड है। पहले ये देखिएगा, इसमें यही काल तीन रूपों में रहता है, ये महाविष्णु रूप में और ये महाशिव रूप में और यहाँ महाब्रह्मा रूप में, और यहाँ पर ये शेरा वाली प्रकृति देवी भी रहती है, ये इसका भी एक कोने में अलग स्थान है इसी ब्रह्मलोक में, और यहीं पर एक स्वर्ग लोक बना रखा है इंद्र का लोक, अलग इंद्र जो है इस स्थान पर सबसे पहले एक कोने में, ये बहुत लंबा चौड़ा है। और यहां पर ये काल, यहां पर आते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये पहले ब्रह्मा लोक में आते हैं, पहले ब्रह्मा को देखता है, ब्रह्मा दूसरा नजर आता, फिर इधर, फिर श्री विष्णु के लोक में आते हैं, फिर माया के पास आते हैं। ये अभी देव भागवत महापुराण आपको आगे सिद्ध करेगी।
असीम कृपा प्रभु की हुई है भक्तात्माओं अपने ऊपर कि ये शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई समाज के सामने आ रही है और इसी की तलाश करके योग जन वेदों का अध्ययन कर मर गए क्योंकि उनको सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं था और सूक्ष्म वेद के ज्ञान बिना ये बात समझ में नहीं आ सकती। ये स्वयं कबीर परमेश्वर ने ही स्वयं आकर अपनी वाणी साधारण वाणी के द्वारा सरल भाषा में इस वेदों का भी और गीता जी का एक सत्य ज्ञान दिया था लेकिन वो साधारण भाषा होने के कारण हम उसको यकीन नहीं कर पाए उन पर। अब इंद्र महा सड़क से आगे यानी इंद्र के लोक से आगे ब्रह्म लोक की तरफ प्रस्थान किया। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब यहां देखना है कि दूसरा ब्रह्मा भी विराजमान थे वहां पर और ये दास सिद्ध करना चाहता है आपको कि वो कौन है आगे देखिएगा। इतने में मन के समान तीव्रगति से वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर पहुंचा। वहां क्या देखा कि हमने विमान के पहुंचते एक भव्य भवन से त्रिनेत्र धारी भगवान शंकर निकले। एक शंकर और निकला। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके पांच मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा आदि थे। उसके बाद आगे देखो अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से विपौन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंचा। उसी ब्रह्म लोक में एक विष्णु लोक बना रखा काल ने। ये लिख देखो नीचे कि वहां पर कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे अर्थात एक विष्णु और वहां पर था। अब ये तीनों देवता विमान में बैठे हुए जा रहे हैं और दूर से देख रहे हैं। एक ब्रह्मा और है, एक विष्णु और है, एक शिव और है। उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हमारा विमान बहुत तेज गति से चला और कहां पहुंचा, जहां पर एक बहुत सुंदर औरत बैठी थी और उसको देख करके हमने सोचा कि ये कौन है, ये देवी कौन है। अब ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसमें फिर आगे चलिए, उसमें एक मनोहर द्वीप था और वहां पर यह देखिएगा एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न गड़े थे और वहां कौन थे ये देखिए नीचे। उसपे एक औरत बैठी थी। वह ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख, लाल लाल दांत और करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। आपस में अनेकों साधक बैठकर हरियम इस मंत्र का जाप कर रहे थे। अब ये मंत्र है जो हम देते हैं, ये वास्तव में 5 मंत्र हैं अलग से, यहां देखना। उसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख आदि आदि। हम आपस में कहने लगे यह सुंदरी कौन है। हम आपस में वही ठहरे रहे और आपस में कहने लगे कि यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है। हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अपनी माँ के बारे में भी तीनों देवताओं को नहीं मालूम। दूर से देखने पर वे कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है, यह देखना आगे। फिर तब भगवान विष्णु ने ये देखो नारद यो संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे, विमान से उतर गए। तब भगवान विष्णु ने उस चारों सिहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये
भगवती जगदम्बिका है, वो प्रकृति है, ये हमारी माँ है। तब उन्होंने कहा कि यही भगवती हम सबकी आदि कारण अर्थात माता है। महाविद्या, महाविद्या और महामाया इन्हीं के नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। ये देख लो, ये प्रकृति इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। और यहां स्वयं बताते हैं, ये भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैंने जब देखा था, मैं छोटा सा था, परलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे इस देवी के, उस समय मैं छोटा सा था। ये वही संपूर्ण संसार की कारण है, ये वही देवगना है जिनके पर्यावरण में अर्थात जो पानी ही पानी था, मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी कह रहे हैं मैं बालक रूप में था। ये वही देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भक्तात्मा, अभी तक हमारे अधूरे गुरु, जब हम उनसे प्रश्न किया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, वो कहा करते हैं तो अजर है, अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो अजन्मा है। और ये स्वयं देवी भागवत महापुराण में स्वीकार करते हैं कि हम तो जन्म मरण में है, मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, हम तो जन्म मरण में है, तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, हम अविनाशी नहीं है। अब देखिएगा आपके सामने उसे प्रकाशित तीसरा स्कंध ही चल रहा है, यहां ये चल रहा है तीसरा स्कंध। अब ये पढ़ते पढ़ते हमारे हैं यहां पर, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्हारे से ही उत्सित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु स्वयं कह रहा है मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और त्रोह भाव हुआ करता है, आविर्भाव माने जन्म और त्रोह भाव माने मृत्यु, हम तो मृत्यु और जन्म में है, ये ध्यान से देखो। और केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये फिर देखना भक्तात्माओं, विष्णु जी कह रहे हैं मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोर्भाव हुआ करता है, आविर्भाव माने जन्म, तिरोर्भाव माने मृत्यु, केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द आपको गीता में काम आएगा, जब ये दास आपको बताएगा कि ब्रह्म और प्रकृति से तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। ये वही देवी भागवत महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। यहां देखो, श्री भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ। अब दोनों बात से दोगी भगवत आत्माओं, विष्णु भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा भी और शिव, ये तमोगुण शिव। अब वहां देखना, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बताएगा दास आपको, मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब ये ध्यान से पढ़ो भक्तात्मा, ये वही देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। अब आपके सामने ये स्पष्ट हुआ कि ये प्रकृति देवी और ये ब्रह्म काल, इनसे ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई, और जिनको हम अजर और अमर कहा करते थे, वो हमारे ही शास्त्रों में प्रमाणित है कि ये अनित्य है, ये तो नाशवान और जन्म और मरण के अंदर है।
अब इन बातों का ज्ञान होने से ही हमें स्पष्ट ज्ञान होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। अब उसके बाद क्या होता है, काल ने ब्रह्म ने कहा था कि जब ये बच्चे स्याने हो जाएं, इन तीनों को सागर मंथन पर भेज देना और वहां पर जो वस्तु निकले इनको देना। सबसे पहले अब देवी ने क्या किया कि तुम तीनों अब विमान पर बैठो और जाओ अपने अपने स्थान पर, ये विमान तुम्हें वहां छोड़ देगा। ब्रह्मा को ब्रह्मा लोक में, जैसा भी आपने ब्रह्मांड का चित्र देखा था, अलग से ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव लोक बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड में ये पहले ही रचित है और इनको ऐसे ही एक बहुत लंबे चौड़े समुद्र पर, जल के समुद्र पर, वहां अपनी शक्ति से रखा हुआ था इनको, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तब ये तीनों अपने अपने लोक में पहुंचे। फिर आदेश हुआ प्रकृति देवी का कि तुम तीनों अब सागर मंथन करो। तीनों ने मिलके सागर मंथन किया। इस ब्रह्म भगवान ने, काल भगवान ने पहले ही समुद्र के अंदर एक कूर्म का रूप धारण करके अपने ऊपर सुमेरु पर्वत को टिका लिया और उसमें इन जाकर तीनों ने शेष नाग के उसे रस्से थे उसका मंथन किया, ऐसे जैसे पहले पुराने समय में दूध रिड़कते थे ऐसे। उसमें से वेद निकले, वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा और वेदों में पाया कि पूर्ण परमात्मा कोई और है जिसने सृष्टि रची हुई है, वही जग का करता है, उसकी उपासना करनी चाहिए, वो आकार में है। उससे पहले ये तीनों बालक अपनी मां से पूछा करते थे कि मां हमारा पिता कौन है। तब ये प्रकृति देवी कहा करती थी कि तुम्हारा कोई पिता नहीं, कोई तुम्हारी मां नहीं, मैं ही तुम्हारा पिता और मैं ही तुम्हारी मां हूं। क्योंकि काल भगवान ने, ब्रह्म ने, उस महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में रहने वाले उस गुप्त काल ने प्रकृति देवी को सख्त आदेश दिए थे कि मेरा भेद मत बताना, और बता भी देगी तो मैं किसी भी योग विधि से, किसी वेद विधि से नहीं प्राप्त हो सकता, मैं किसी को आकार रूप में कभी दर्शन नहीं दूंगा, अपने वास्तविक स्वरूप में कभी दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात मेरे लोक में ये कोई नहीं आ सकता। तो प्रकृति देवी इसलिए कहा करती थी कि बेटा तुम्हारा कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारी मां हूं। जब ब्रह्मा ने पढ़ा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा कोई और है सृष्टि रचनहार और उसको पाया जा सकता है ओम नाम के जाप से, ऐसा उसने सोचा कि ओम का नाम लिखा है और ध्यान लगाऊंगा, मेडिटेशन को अधिक करूंगा, प्रभु प्राप्ति होगी। तब ब्रह्मा ने कहा कि मां आप कहा करती थी कि हमारा कोई पिता नहीं, वेदों में लिखा है कि परमात्मा आकार में है और वही पूर्ण परमात्मा ही सारी सृष्टि का रचनहार है, उसके पाने का ओ मंत्र भी लिखा है, यही मंत्र है जो उसको पाने का, ऐसा ही होगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा ने कहा कि मैं पिता के दर्शन करूंगा। माई ने कहा कि बेटा वो तुम्हें कभी दर्शन नहीं देगा तुम्हारा पिता। ब्रह्मा ने कहा कि मां अब आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता, मैं पिता की तलाश करूंगा अर्थात परमेश्वर को ढूंढूंगा। माई ने कहा कि यदि तुम्हें पिता नहीं मिला तो क्या करेगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं फिर वापस नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा आपको। ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर ब्रह्मा वहां से चल पड़ा। एकांत स्थान पर जाकर चार युग तक मेडिटेशन किया, ध्यान किया, ओम नाम का जाप किया, प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। अब शर्मिंदा वापस नहीं आ रहा है, तब आकाशवाणी काल ने की प्रकृति देवी को कि सृष्टि प्रारंभ करो, जीवों की उत्पत्ति करो। तब प्रकृति देवी ने कहा कि तेरा जेठा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र
ब्रह्मा आपकी तलाश में हट करके गया हुआ है। तब नरेंद्र ने कहा कि मैं कभी किसी को किसी भी वेद विधि वर्णिक विधि से कोई दर्शन नहीं दूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको वापस बुलाओ। तब प्रकृति देवी ने अपनी सबद शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी जा ब्रह्मा को समाधि से उठा कर ला, उसको कहना कि तेरे बिना सृष्टि रचना अधूरी है और आप वापस चलिए। अब वो गायत्री देवी जब वहां पहुंची ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के चरण छुए, ब्रह्मा का ध्यान भंग हुआ, तब उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है। ब्रह्मा गुस्से में आकर कहता है कि तूने मेरा तप भंग कर दिया, तू कौन पापचारिणी आ गई, मैं तुझे श्राप देता हूं। तब उस गायत्री ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो और फिर मेरा दोष हो तो मुझे श्राप देना। मुझे माँ ने भेजा है आपको लिवा लाने के लिए, आपके बिना सृष्टि रचना प्रारंभ नहीं हो रही, जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही और आप वापस चलिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गायत्री कैसे चलूं मैं माँ के पास, मुझे शर्म लगती है, पिता के दर्शन हुए नहीं और मैं कहकर आया था कि माँ यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं वापस नहीं आऊंगा, दर्शन दूंगा। ब्रह्मा ने कहा गायत्री से कि यदि तू मेरी झूठी गवाही देवे तो मैं चलूं कि पिता के दर्शन अर्थात प्रभु की प्राप्ति हो गई। गायत्री ने कहा कि एक और गवाह तैयार करते हैं। गायत्री ने अपनी सब शक्ति से एक और लड़की उत्पन्न की, उसका नाम कहकुवती रखा। दोनों ने ब्रह्मा की झूठी गवाही देने की स्वीकृति दे दी। तीनों के तीनों माता के पास, प्रकृति देवी के पास आ गई। प्रकृति देवी ने पूछा कि ब्रह्मा तुझे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा हाँ माँ मुझे पिता के दर्शन हुए। तो देवी ने पूछा कैसे प्रमाणित हुआ है? ब्रह्मा ने कहा कि दोनों से पूछ लो, इनके सामने मुझे दर्शन देकर के पिताजी गए हैं। तब उन दोनों से पूछा प्रकृति देवी ने, गायत्री और कहकुवती ने स्वीकृति दी और कहा कि हाँ हमारे सामने ब्रह्मा को दर्शन दिए, पिता ने दर्शन दिए, बड़ा तेजो में शरीर था, ऐसे तुक्के मारे। तब प्रकृति देवी के मन में ये आया कि ये काल दोगला है, ये ब्रह्म तो दोगली बात कर रहा है, मेरे को कहता है मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं कभी व्यक्त रूप में प्रकट नहीं होऊंगा और गुप्त रूप में सर्व कार्य करता रहूंगा, और इनको दर्शन दे दिए, ऐसा सोचकर अक्षुब्ध होकर नाराज होकर दूर जा बैठी और कहती है कि मैं नहीं तेरे इस कार्य को कर सकती, संभाल अपने डमडमे ने, मुझे कुछ कहता है और इनको दर्शन दे दिए। तब आकाशवाणी काल भगवान ने क्षर पुरुष ने की कि प्रकृति देवी ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिया। तब वो करड़ी होकर गुस्से में होकर और आई और कहा कि नादानो तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है परमात्मा की, वो कहता है कि मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो हंसने लगे और ब्रह्मा ने कहा कि माँ मुझे शर्म आ रही थी आपके पास आने में, क्योंकि पिता के दर्शन हुए नहीं थे और मैं उस समय ये कहकर गया था कि मैं आऊंगा नहीं यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो, इसलिए हमने ये झूठ बोलने की स्कीम बनाई। तब प्रकृति देवी ने इस शेरा वाली दुर्गा ने तीनों को श्राप दे दिया, ब्रह्मा तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे ही वेदों के पढ़ने वाले तेरे वंशज तेरे ही तरह सच्चाई नहीं कहा करेंगे, विद्वान जो हो जाएंगे उनको सही ज्ञान तो होगा नहीं लेकिन झूठ बोलने पर तुले रहा करेंगे, और सत्य ज्ञान ना होने होते हुए भी वो ज्ञान प्रचार करते रहेंगे और दुनिया को गुमराह किया करेंगे। पर उसको गायत्री को श्राप दिया कि तू गाय बनेगी, तेरे कई पति होंगे जैसे सांड, और पार्वती को श्राप दिया कि तू गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी।
जब तीनों को श्राप प्रकृति दे चुकी तब काल भगवान ने आकाशवाणी की, उस प्रकृति देवी को ही सुनाई दी वो, कि तूने ये अच्छा नहीं किया किया दुर्गा, इनको श्राप नहीं देना था, तू संविधान को अपने हाथ में नहीं ले सकती, ये सब मेरा कार्य है, अब मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भी द्वापर युग में द्रौपदी बनकर जाएगी, तेरे पांच पति होंगे। ऐसा श्राप पाकर के प्रकृति कहने लगी, नरेंद्र तेरे वश होगी, मैं अपने पिता से अपने मूल मालिक से बिछुड़ गई, अब तू कुछ भी नाच नचा दे, यदि मैं इन बच्चों को नहीं डांटूंगी नहीं धमकाऊंगी तो ये कैसे कार्य सुचारू करेंगे, और मैंने इनको थोड़ा सा सजा दी तो तूने मुझे सजा दे दी, ठीक है नचा ले नाच जैसे तू नचाना चाहता है। उसके बाद प्रकृति देवी विष्णु के पास गई, विष्णु के लोक में, विष्णु से कहा कि बेटा तू भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर बाद में समाधि लगाकर बैठो और सृष्टि रचना में भंग होवे। विष्णु जी अपने पिता ज्योत निरंजन काल भगवान की तलाश में चल पड़े, कहां पहुंचे, शेष नाग के लोक में पहुंचे, और शेष नाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में, यहां सबने अपनी अपनी सीमाएं बांट रखी है, कुत्ते ने अपनी बांट रखी है, राजाओं ने अपनी बांट रखी है, भैंसे ने अपनी बांट रखी है, कि जो भी उस सीमा में आ जाए उसके साथ लड़ मरे कट जाए और दो दिन के मेहमान से भी। ऐसे ही शेष नाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में, तेरे राज्य की सीमा में ये कौन बेधड़क व्यक्ति आ रहा है, इसको कोई डर नहीं तेरा, ऐसे ही अपने हजार फनों से शेष नाग ने बहुत जोर से पुंकारा छोड़ा विष्णु को भयभीत और सतर्क करने के लिए कि सावधान हो जा तू कैसे निर्भीक होकर आ रहा है। ऐसे उस जहर का फुंकारा जैसे स्प्रे पेंट होया कर, ऐसे विष्णु जी का शरीर काला बन गया, जैसे धुंध हो जाकर उसके अंदर विष्णु छुप गया शेष नाग के विष के फवारे तक। विष्णु जी का शरीर विग्रह काला हो गया, सांवला हो गया। जब विष्णु जी ने देखा कि इस नादान सर्प ने ये क्या जुल्म किया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो इसको कुछ कहा भी नहीं था, इसने ऐसे मेरा स्वरूप बिगाड़ दिया, अब इसको ठीक करता हूं, इसको गढ़ता हूं। ऐसा सोचकर उस नाग को समाप्त करने के लिए विष्णु आगे बढ़ने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई ज्योत निरंजन की, काल की, कि विष्णु अब इसको कुछ मत कहे शेष नाग को, अगर ऐसे तुम लड़ने मरने लगे तो सृष्टि कैसे प्रारंभ होगी, अब इसको कुछ मत कहे, द्वापर युग में ये काली दय में जाएगा, जन्म लेगा, इसका अवतार होगा और तय उस समय कृष्ण बनकर जाएगा, उस समय इससे अपना बदला ले लेना, अब तू वापस जा और अपनी मां को स्पष्ट बता दे, झूठ मत बोलना, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा और ना ही मेरे कोई दर्शन कर सकता, किसी भी वेदों वर्णित विधि से, यज्ञ से, तप से, जप से नहीं कर सकता, यदि झूठ बोलेगा तो तेरा हाल भी ब्रह्मा जैसा हो जाएगा, वापिस जा। ऐसा सोचकर, ऐसी आकाशवाणी सुनकर विष्णु जी वापस चल पड़े, मां के पास आए। माता ने पूछा, क्यों पुत्र, पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा, नहीं मां, मुझे दर्शन नहीं हुए। इस बात को सुनकर ये जगदम्बिका दुर्गा बड़ी प्रसन्न हुई और विष्णु को सीने से लगाया और कहा, पुत्र तू सत्वादी होगा और तुझे मैं यहाँ पालन पोषण और स्थिति का विभाग देती हूँ और अब मैं तुझे अपनी कृपा से तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ, देख शरीर में ध्यान लगा कर और पहुंच जा सहस्रार कमल में, सहस्रार कमल में जो ज्योत प्रकाश दिखाई दे रहा है वो 1000 ज्योतियां, बस ये तेरे पिता का स्वरूप है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है, ऐसे इन सबको बहका रखा है। विष्णु जी अपने पिता के प्रकाश रूप में दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ, उस अंदर प्रकाश देख, ये मेडिटेशन करने वाले अंतिम उपलब्धि केवल ज्योत बताते हैं, वो ज्योत स्वरूपी वही तो काल है और उसी को देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं।
उसके बाद यही माई शिव जी के पास गई, शंकर जी के पास गई। शंकर जी से कहा, बेटा तू भी अपने पिता की तलाश कर ले, तेरे दो भाइयों को तो मिला नहीं। शिव जी ने कहा कि हे माँ, जब मेरे दो बड़े भाइयों को नहीं मिला पिताजी, तो मैं तो कोशिश ही नहीं करता, परंतु माँ मेरी एक प्रार्थना है। तो माता ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो। कि मुझे जन्म मरण रहित कर दे, मुझे अमर कर दे माँ, मैं तो यही मांगता हूं आपसे। तब माँ ने कहा, प्रकृति देवी दुर्गा ने कहा कि बेटा ये नहीं हो सकता, जो पैदा हुआ है इस 21 ब्रह्मांड में उसका जन्म होगा, जो जन्म हो गया उसकी मृत्यु होगी, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु होगी, और जो मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा, चाहे किसी भी योनि में कर्माधार पर वो जाए। अमर नहीं कर सकती, पुत्र में एक विधि बता सकती हूं जिसके कारण तेरी आयु सबसे ज्यादा हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा कि माँ ऐसी ही कृपा कर दो। तब देवी ने कहा कि पुत्र तू ज्यादातर मेडिटेशन कराया करे, और मेडिटेशन करते करते अपने श्वासों को, प्राणों को 10वें द्वार पर स्थिर कर दिया कर, श्वास कम से कम आने दिया कर, और ठंडे क्षेत्र में रहा कर ताकि तेरा शरीर खराब ना हो। उसके बाद भगवान शिव ज्यादातर ध्यान समाधिस्थ रहते हैं और अपने श्वासों को रोक लेते हैं। श्वासों के आधार पर ही ये सब प्राणियों की आयु निर्धारित है। उसके बाद फिर इन तीनों से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो। पहले माई ने कहा कि तुम मेरे से सृष्टि रचना करो, मुझे ही पत्नी बनाकर तुम तीनों यहाँ के सृष्टि रचना करो। तब इन तीनों ने कहा, हे माँ, माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहाँ अगत होई। तब माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और ये देख रही थी तुम भी अपने पिता की तरह ही ऐसे हो या तुम्हारे अंदर कोई विवेक है। ठीक है, तुम जाओ फिर सागर मंथन करो। अब दूसरी बार फिर सागर मंथन किया। जब सागर मंथन किया उसमें तीन रूप माई नहीं अपने बनाए इस दुर्गा ने। ये सिद्धि होती है, एक सिद्धि वो चोलेदार है, चोले माने शरीर। तीन रूप बनाए और तीन लड़कियों के रूप में बाहर आई। वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक लड़की को लेकर के, तीनों लड़कियों को लेकर के माँ के पास आए। माता ने पूछा कि पहले कौन सी निकली थी। कि ये उसका नाम सावित्री रखा, वो ब्रह्मा से व्याधि। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, वो विष्णु से व्याधि। और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शिव से शादी कर दी। और तीनों से कहा कि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने लोक में जाओ और अब ये सृष्टि प्रारंभ करो। यहां से ये काल सृष्टि प्रारंभ हुई। अब इसी का प्रमाण आपको देवी भागवत महापुराण में देता हूं, तीनों की शादी का। आप देखिएगा वही श्रीमद देवी भागवत महापुराण, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसी का वही तीसरा स्कंद चल रहा है, इसमें देखिएगा यहां पर। इस प्रकार मुझसे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुक्त करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। महालक्ष्मी से ब्याह कर दिया, यह सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। और फिर बताया कि तुम सतोगुण हो, तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हारे पास सतोगुण की प्रधानता रहनी चाहिए, तुम अर्थात तुम सतोगुण हो। अब फिर आगे देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली महाकाली गौरी नाम से विख्यात ये उमा है, तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो। तीनों का ब्याह कर दिया, कैलाश की रचना करने के वही रहो, एक यहां नकली कैलाश और बना रखा है इस शिवलोक में। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी, सतोगुण रजगुण गौण रहेंगे, ये गुप्त रहेंगे, वास्तव में तुम तमोगुण है। अच्छा, फिर
आगे देखना। यहां फिर कहा ब्रह्मा जी बोले, कहते हैं कि इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए माँ लक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को, मेरे लिए महासरस्वती अर्थात गायत्री को, सावित्री को पत्नी बनाने की आज्ञा दे दी। अब तीनों का ब्याह कर दिया। दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। ये फिर हम भगवान बन गए तीन लोग के। अब ये ऐसे काल सृष्टि प्रारंभ हुई। अब इसी का प्रमाण आपको गीता जी में देता हूं। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इनके टीकाकार हैं श्री जय दयाल गोविंद का, श्री जय दयाल गोविंद का। और ये सबसे पहले अध्याय नंबर 14 का प्रथम श्लोक सुनिए इन्हीं की भाषा में। वैसे तो इन महापुरुषों को विशेष ज्ञान नहीं था, कोशिश की इन्होंने सरलार्थ करने की ढंग से, परंतु सूक्ष्म वेद का ज्ञान ना होने से अधूरा कुधूरा ही किया। फिर भी जहां तक इनकी बुद्धि काम की उन्हीं के आधार पर बताता हूं कि ज्ञानों में भी अति उस उत्तम परम ज्ञान को फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से परम कर गए, मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कि अब ये ज्ञान समझ में आ गया ना कि काल कौन है। अब ये ब्रह्म भगवान स्वयं ही कह रहा है कि अब वो उत्तम ज्ञान तुझे फिर बताऊं अर्जुन, जिसको समझ गए और फिर मेरे जाल से सब निकलने की चेष्टा कर जाते हैं, करते हैं, वो निकल जाते हैं। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।